देख बिना पे डाउनलोड तक ऐप। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर चीफ जस्टिस एसए बोरबड़े की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ शुक्रवार को सुनवाई करेगी। अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार देते हुए उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। हाई कोर्ट ने ऐसा ये कहते हुए किया था क्योंकि साल 2017 में उनकी उम्र चुनाव लड़ने के लिए कम थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीते साल दिसंबर में अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया था। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ते वक्त अब्दुल्ला आजम की उम्र विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य 25 वर्ष नहीं थी। अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि इसके लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। इसी सीट पर बहुजन समाज पार्टी के दावेदार रहे नवाब काजिम अली ने अब्दुल्ला के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका के अनुसार चुनाव के समय वह 25 साल के भी नहीं थे, इसलिए चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। सुनवाई के दौरान आजम खान की पत्नी अब्दुल्ला का जन्म करवाने वाली डॉक्टर भी प्रस्तुत हुई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की पीठ ने 16 दिसंबर को फैसला सुनाया था। बहरहाल पिछले कई महीनों से आजम खान और उनके परिवार के ऊपर एक के बाद एक समस्याओं का पहाड़ टूटता जा रहा है। पिछले कई मामलों में आजम खान के खिलाफ जमानती और गैर जमानती वारंट भी जारी किए जा चुके हैं, तो वहीं उन्हें कई मामलों के तहत नोटिस भी तामिल किए गए हैं, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की जाती है। बावजूद इसके आजम खान लगातार कोर्ट में पड़ रही तारीखों पर पेश नहीं होते, लिहाजा उन पर कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार जारी है। इस मुद्दे पर योगी के मंत्री भी उन्हें आड़े हाथ लेने से बाज नहीं आते। गरीबों की जमीनों पर उन्होंने कब्जा किया है, बेसहारा लोग की जमीनें थी उन सब पे उन्होंने कब्जा करके अपने स्कूल में मिला लिया, अपने यूनिवर्सिटी में मिला लिया है। ये सब जांच हो रही है और जांच के अनुसार ही कार्रवाई करवाई गई। किसी भी प्रकार से कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है, बदले की भावना से कोई भी वहाँ पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग हैं वो खुद आ रहे हैं, उसमें हिंदू भी है, अधिकतर मुस्लिम लोग हैं जिनकी जमीनों पर कब्जा किया गया है, जिनके घरों पर कब्जा किया है, जिनको उजाड़ दिया गया है। जहाँ पे गरीब लोग रहते, जहाँ उनकी बस्तियाँ थी, झोपड़ियाँ थी। मंत्री जी, नहीं, सवाल यह है कि क्या उन्हें ऐसे ढूंढने की जरूरत है? सवाल यह है कि क्या उन्हें ऐसे ढूंढने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है, ये मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट से वारंट निकलता है, और जब कोर्ट से वारंट निकलता है तो फिर पुलिस का काम होता है, जिम्मेदारी जो है पुलिस की हो जाती है, वो जाके जो है उनको कोर्ट में हाजिर। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था। अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। विधानसभा चुनाव में रामपुर में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला अपनी अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। अब्दुल्ला आजम ने भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मी सैनी को 50,000 से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि बसपा के नवाब काजिम अली तीसरे नंबर पर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।